आज यानी 19 नवंबर को छठ महापर्व का तीसरा दिन है। आज के दिन संध्या अर्ध यानी डूबते हुए सूर्य को अर्ध दिया जाता है। चार दिवसीय छठ पर्व में तीसरे दिन सबसे खास होता है। इस दिन लोग अपने परिवार के साथ घाट पर जाते हैं और कमर भर पानी में खड़े होकर डूबते हुए सूर्य को अर्ध देते हैं। मान्यता है कि जो लोग पूरे श्रद्धा के साथ छठ माता और सूर्य देव की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं जल्द पूर्ण हो जाती है। वहीं दरभंगा के वार्ड 30-31 के छठ घाट पर हजारों लोगों ने शाम की तैयारी पूरी कर लिया है। थोड़े बहुत काम बाकी है, सभी छठ घाट पूरी तरह सज धज कर तैयार है। अब बस शाम होने का इंतजार है, डूबते हुए सूरज को अर्ध देने का इंतजार है। सभी मिथिलावासियों को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं माँ छठी मैया से कामना करता हूँ कि सभी के जिंदगी के दुख दर्द पीड़ा दूर हो, सभी मानवता में सद्भाव बढ़े एवं सभी सुख शांति से आपस में मेलजोल बनाकर रहे। हमारे बिहार की तरक्की हो, देश की तरक्की हो। का महत्व पौराणिक काल से है। जब भगवान राम ने रावण का वध किया था तो उसके बाद जब अयोध्या लौटे थे तो वो अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए थे। उनसे पूछा था कि मैंने मुझसे तो हत्या हुई है, इसे वध माना जाएगा, तो इसे किस तरह से इसके पाप से मुक्ति मिले और मुझे शांति मिले। तब उन्हें दिवाली के बाद जब वो पहुँचे थे, मतलब जिस दिन दिवाली मनाई गई थी, उसके बाद उन्हें कहा गया था कि षष्ठी के दिन तक माँ कात्यायनी की जिस दिन पूजा होती है उस दिन तक आप सूर्यदेव की पूजा करें, इससे आपको शांति मिलेगी। तो उन्होंने उस समय सबसे पहले माँ सीता के साथ छठ पर्व का शुभागमन किया, शुभारम्भ हुआ। उसके बाद से छठ पर्व समस्त भारत वर्ष में चलता आ रहा है। लेकिन 2000 सालों में जो इन्वेजन हुआ, अंग्रेज लोग आए, बहुत सारी रीतियों को ख़त्म किया गया, लेकिन फिर उसके बाद भी बिहार यूपी बिहार जो हमारा मिथिलांचल का एरिया है, अवध का एरिया, यहाँ ये परंपरा बची रही। और आज भी जहाँ भी बिहार यूपी बिहार के लोग हैं वहाँ आज भी ये छठ जिंदा है, यह आस्था का महापर्व जिंदा है। ये चार दिन का महापर्व चलता है जिसमें नहाए खाए से ये पर्व शुरू होकर के परमा के दिन आखिरी होता है। इसमें व्रतिया चार दिन तक बिना अन्न जल ग्रहण करे सूर्यदेव की उपासना करके छठी के दिन माँ कात्यायनी माँ देवसेना की पूजा करके उनसे प्रार्थना करती हैं। ये बहुत ही कठिन तपस्या है, ये समर्पण का त्यौहार है, ये आस्था का त्यौहार, ये आस्था का महापर्व है जिसको पूरे बिहारी मिथिलांचल वर्ष अवध के लोग पूरी दुनिया में जहाँ भी रहते हैं आस्था के साथ मनाते हैं। हम खासकर हम बिहारियों का इससे बहुत ही ज़्यादा सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है कि लोग दुनिया के किसी भी कोने पर रहे, मुझे तो लगता है अगर दूसरे ग्रह पर भी जाने का अगर बने भविष्य में तो दूसरे ग्रह से भी लोग भारतवासी आकर के अपने यहाँ छठ मनाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही
सोलफुल, सोल से जुड़ा हुआ हमारा त्यौहार है। हम लोग साल में ख़त्म हो जाता है ये त्यौहार, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि ये त्यौहार आए एक दिन के लिए, सब कुछ निछावर कर देते हैं हम लोग। सबसे ज़्यादा पहले तो कुशल तरीके से बैरिकेडिंग की गई है एक वाटर लेवल के हिसाब से, कि इतने से आगे लोग नहीं जाएंगे। हर साल लगता था, लेकिन इस बार 12 मीटर तय किया गया है। उसके बाद चेंजिंग रूम्स की व्यवस्था की गई है, जो कि बहुत अच्छा पहल है। पहले हम लोग अपने घाट पे या दूसरे घाट पे जाते थे तो लोग खुद से बांस वगैरह घेर करके बच्चियों की कब्र बदलने की जगह को तैयार करते थे, लेकिन इस बार नगर निगम की ओर से यह किया गया है। और कोई उपद्रव भी ना करे, बैड एलिमेंट ऑफ द सोसाइटी जिन्हें हम कहते हैं, जो कि हर हिस्सा पार्क में रहते हैं, तो उनको वाच करने के लिए वाच टावर का निर्माण भी कराया गया, जिन पर नजर रखेगा। दो वार्ड में, हमारे वार्ड में तो बाढ़ रक्षा दल का गठन भी किया गया है, जिसमें 60 लोग हैं। वो रात भर घूम करके ऐसे ट्राफिक तत्वों पर नकेल कसेंगे, इसका भी काम हुआ है। उसके बाद से अच्छे से सफाई भी की गई, ब्लीचिंग का छिड़काव किया गया है, पंडालों से घेरा गया है, कॉफ़ी की व्यवस्था की गई रात में, जो लोग वहाँ पे स्टे करेंगे रात में उनके लिए, और मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई। बहुत ही अच्छा इस बार जो लग रहा है कि हाँ, छठ पर मनाया जाएगा दरभंगा में। धन्यवाद मैं जिला प्रशासन को देना चाहूँगा इनकी कर्मठता से, और मॉनिटरिंग के द्वारा लास्ट तक जो देखा है, संज्ञान लिया उन्होंने, मैं उनके लिए राजीव रोशन जी, जो हमारे जिलाधिकारी हैं, बहुत ही धन्यवाद अर्पित करता हूँ मैं अपनी तरफ से, और मेयर महोदया का, उप मेयर महोदया का, एवं नगर आयुक्त महोदय का, और जितने भी वर्कर्स हैं नगर निगम के कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, जिन्होंने 20 दिन से लग करके इतना बेहतरीन काम किया है, जिनके कारण ये छठ पर उनकी सहयोग सफल हो पा रहा है, मैं उनका सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि वो नहीं रहेंगे तो ये हमारा काम नहीं होगा। तो जहाँ अश्वनी वर्मा, प्रवक्ता, युवा जदयू, दरभंगा।